1971 इंडिया और पाकिस्तान में चल रही थी दो वार। जी हाँ, एक नहीं दो वार। एक बार लड़ रहे थे सोल्जर्स और दूसरी बार लड़ रहे थे डॉक्टर्स, क्योंकि वार के साथ आए बहुत सारे रेफ्यूजीज और उनके साथ आई प्रॉब्लम। भारी बारिश और खचाखच भरे कैंप्स में फैलने लगा डायरिया। हालात इतने खराब थे कि हर 100 में से 30 लोगों की जान जा रही थी। उसका रीजन, रेफ्यूजी कैंप में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी हो। तो ऐसे में चाहिए था एक ऐसा सिंपल ट्रीटमेंट जिसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत ना पड़े और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की बजाय कोई भी नॉर्मल इंसान पेशेंट की हेल्प कर पाए। रेफ्यूजी कैंप में ट्रीटमेंट के आए डॉक्टर दिलीप महालन बेस। ये ट्रीटमेंट जितना सिंपल था उतना ही इफेक्टिव भी, और कैंप्स में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही मोर्टेलिटी रेट 30 से घटकर 3% तक पहुंच गया। और बात रेफ्यूजी कैंप में खत्म नहीं हुई। रेफ्यूजी कैंप में सक्सेसफुल यूज के बाद इस ट्रीटमेंट को दुनिया भर में यूज किया गया, जिससे 7 करोड़ जाने बच पाई। इस ट्रीटमेंट के इम्पैक्ट का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। इस ट्रीटमेंट का नाम ओरल थेरेपी यानी ORS।